दोस्तों स्वागत है आपका फिर से मेरे YouTube चैनल इंडियन वर्ड्स ग्रुप में, और मैं हूं वसीम। दोस्तों अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और दोस्तों कमेंट में अपनी राय या फीडबैक देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। दोस्तों आज हम हैं यूपी के बरेली शहर के रजऊ कस्बे में और ओम प्रकाश शर्मा जी की छत पर। दोस्तों यहां से जो शौक को करते हैं ओम प्रकाश जी करते हैं, और उनके साथ में है साथ में अफजाल भाई भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अफजाल भाई। वालेकुम अस्सलाम अफजाल भाई। यहाँ पर जो शौक चल रहा है वो कब से चल रहा है? जी ये तो बहुत पुराना शौक है इनका। जी कम से कम होगा 40-50 साल पुराना। अच्छा आप भी यहाँ से शौक को करते हैं? जी हम भी यहीं से करते हैं। पर उधर आज इस बार तो पहली बार ही कर रहे हैं उड़ान। जी आपके यहाँ से पहली बार उड़ान हो रही है? जी। तो क्या डेट है आपकी उड़ान की? 20 नवंबर। दोस्तों यहाँ से आपको इंशाल्लाह आने वाले वक्त में बहुत अच्छा शौक देखने को मिलेगा। दोस्तों ये यूपी का बरेली शहर है। और अच्छा अफजाल भाई, जैसे कि मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि जैसे कि अगर किसी खिलाड़ी की उड़ान है तो उसको कम से कम 1-2 महीने पहले किस तरीके का खाना देना चाहिए और किस तरीके की तैयारी करना चाहिए? ऐसा है, ये तैयारी की तो बात ऐसी है कि अपने अपने आदमी के तरीके हैं खिलाने के। जी जी जो जिसके समझ में आता है वो खिलाता है। अब जैसे हमारी जो समझ में आया वो हमने खिलाई है, तो अपने अपने तरीके हैं। आदमी अच्छे से अच्छा खिलाना चाहता है। जी और अगर बात करें मतलब उड़ाने की, तो किस तरह कितना गैप देके उड़ाना चाहिए कबूतर को? कबूतर को जब नया कबूतर हो तो उसको तो रोज ही खैर उड़ाना चाहिए। जब कबूतर सेट हो जाए, टाइम बनाने लगे, तो उसको 1-2 दिन का रेस्ट भी देना चाहिए कबूतर। अच्छा एक बात और, जैसे कि जैसे हम देखते हैं रामपुर में, वहाँ अपनी अलग नस्लें हैं, शाहजहांपुर में अलग नस्लें हैं, हर शहर की अपनी अलग नस्लें हुआ करती हैं। जैसे बात करें हमारे शहर अपने शहर बरेली की, तो कौन सी नस्लें हैं जो ज्यादा उड़ती हैं यहाँ पर? घर की यहाँ तो यही नस्ल है, कल पर है, कल में गर्रे बबरे। जी हर तरीके की नस्लें, कलसरे सब मिक्स चलते हैं। तो कुछ कबूतरों का शौक करा दीजिए हमारे देखने वाले सब्सक्राइबरों को। देखिए दोस्तों अफजाल भाई हमें कबूतरों का शौक कराएंगे, और इस वक्त ओम प्रकाश शर्मा जी है दोस्तों नहाने के लिए गए हुए हैं। देखिए ये सम्मल की कबूतरी है। जी सम्मल से हम लाए थे इसको, बहुत अच्छी उड़ती है ये कबूतरी, काली दुबाज बोलते हैं इसको। जी इसकी आँख का शौक करा दीजिए। इसके पर्दे काट दीजिए, और ये एक रंगल में है इसके। देखिए दोस्तों बहुत ही लाजवाब प्यारी इसकी आईज है। इसके पर दिखा दीजिए। देखिए दोस्तों ये सारे कबूतर अफजाल भाई इस वक्त उड़ रहे हैं ना। जी जी इसके पंजे दिखा दीजिए, कितने प्यारे पंजे हैं। जी छोड़ दीजिए। जी देखिए दोस्तों आपके आंखों के सामने गालदार कलसरा। जी इसके प्रो का शौक कराते हैं दोस्तों, बहुत ही लाजवाब दोस्तों बॉडी स्ट्रक्चर है इन कबूतरों का। और आप देख रहे हैं सारे कबूतरों का जिस्म जो है इस वक्त बना हुआ है, बना हुआ है। जी इसके पंजे दिखा दीजिए। देखिए दोस्तों बहुत ही लाजवाब बॉडी स्ट्रक्चर, इसकी आईज दिखाते हैं आपको। इसके परों का शौक करा दीजिए। ये वाला फली, ये लाल हरे ही सब दिखाएं। पर सामने है दोस्तों ओम प्रकाश जी जो यहाँ से शौक को करते हैं। क्या हाल है ओम प्रकाश जी? सब सही है। तो जी ओम प्रकाश जी आपका ये शौक कब से चल रहा है इस छत पर? ये बचपन से चल रहा है। अच्छा तो किस तरीके के कबूतर जो है आपको ज्यादा पसंद है? ज्यादातर शाहजहांपुरी। जी छत्ता जी कलमा जी सारे कबूतर आपको पसंद है। जैसे हमारे एरिया की अगर बात करें शहर बरेली की, तो वो कौन सी नस्लें हैं जो यहाँ ज्यादा कामयाब है? चीले, बबरे, गर्रे, कलसरे सारी नस्लें जो यहाँ यहाँ पर कामयाब है। सारी कामयाब। जी अपने कबूतर को थोड़ा शौक करा दीजिए। इस बारे कबूतर पकड़ो। देखिए दोस्तों बहुत ही प्यारे पिजन का पर इधर वाला खोलिए, लाल वाला। अच्छा इसके पर दिखाई दे। देखो लाल जी बहुत ही लाजवाब दोस्तों। दिखाई
देखे तो बहुत ही प्यारे बचूद के और बड़े साइज के कबूतर हैं। छोड़ दीजिए देखिए दोस्तों, आप ये देख रहे हैं इनकी उड़ाने की तैयारी चल रही है ओम प्रकाश जी की, और आप यहाँ से बहुत ही अच्छा शौक 20 नवंबर को देखेंगे। इसकी आईज दिखा दीजिए, आप दिखा दीजिए, इसके ऊपर दिखाई दे। इसके पंजे दिखाई दीजिए, देखिए दोस्तों ये है सजानपुरी हरा हरी जी मादा, बहुत ही प्यारे बजूद के कबूतर दोस्तों। इसके पर दिखाते हैं दोस्तों, तो ये अफजाल भाई इस वक्त उड़ रहे हैं ना ये हरे जी। मैंने सुना है कि हरे जो होते हैं पहली साल में नहीं उड़ते, लोग कहते हैं ये पक्के हुए हैं। अच्छा अच्छा, कुछ लोगों का मानना ये होता है कि जैसे हरे जो होते हैं वो मजबूत बहुत होते हैं शाहजहांपुर की जो नस्लें हैं, और दूसरी तीसरी साल में ज्यादा परवाज होती है उनके अंदर जी। ये दिखाई दी चिट्टा जो है, ये काले वाले, ये तो बाज दिखाई, तो बाज बहुत ही बड़े साइज का कबूतर है अफजाल भाई ये जी, बहुत ही प्यारे बजूद का आप देख रहे हैं। देखिए दोस्तों बजूद, देखिए कबूतर इसके पर दिखाइए, देखिए दोस्तों बहुत ही प्यारे, इसके पंजे दिखाइए, छोड़ दीजिए। देखिए दोस्तों बहुत ही ज्यादा प्यारे बजूद के कबूतर आप देख रहे हैं, इसके पर दिखाइए, इसके पंजे दिखाइए। ये हमारे घर का बच्चा है जी, इसके माँ बाप भी बहुत उड़ते हैं, ये भी बहुत उड़ता है जी। अच्छा अफजाल भाई, जैसे बात करें बरेली शहर में तो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में देखने मिलेंगे बबरे जी, बबरा दिखा दीजिए। देखिए दोस्तों हमारे शहर बरेली की बबरा बोलते हैं ना इसको, कासनी कबूतर है ये, कासनी बबरा, कासनी बबरा, और बहुत ही मजबूत कबूतर है ये शायद, मैं समझता हूँ। इसके पर दिखा दीजिए, इसको जानवर ने मार दिया था तो इसकी दुम खींच ली थी जी, बच के आया ये कबूतर। देखिए दोस्तों बहुत ही प्यारे बजूद के कबूतर कर रहा सामने। दोस्तों ये शौक जो हम आपको यूपी के बरेली शहर के रजऊ गांव से करा रहे हैं, और दोस्तों ये छत जो है ओम प्रकाश जी की है, और साथ में शौक को करते हैं अफजाल भाई जी जी। इसके पड़ों का शौक करा दीजिए अफजाल भाई, इसके पंजे दिखाई दे, छोड़ दीजिए। देखिए दोस्तों आप इस लॉफ्ट के अंदर देख रहे हैं कबूतर, देखिए बहुत ही लाजवाब कबूतर आपकी आंखों के सामने, ये देखिए लखौरी कबूतर दोस्तों जी, गलवे लखौरी, बहुत ही लाजवाब बॉडी स्ट्रक्चर है दोस्तों कबूतर का, आप देख रहे हैं सारे एक से एक प्यारा कबूतर आप यहाँ पर देख रहे हैं। इसके पर दिखाई दी, इसके पंजे इतने प्यारे पंजे का कबूतर जी, बहुत ही लाजवाब, छोड़ दीजिए। ये बोलते हैं लाल जीरिए, देखिए जैसा रंग वैसी आंख जी, माशाल्लाह बहुत ही लाजवाब।